हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब बात आदिवासी महिलाओं की मदद की। महाराष्ट्र के गांव में आदिवासी महिलाएं कोरोना की जंग में जी जान से जुटी हुई हैं। डॉक्टर्स के लिए रक्षा कवच तैयार करके ये महिलाएं बड़ा योगदान दे रही। कपड़े की कटाई की जा रही है, मशीन पर सिलाई का काम चल रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के धानू के खड़खड़ गांव की है, जहां आदिवासी महिलाएं डॉक्टरों के लिए मास्क और पीपीई किट तैयार कर रही हैं। ये महिलाएं अपने घर के काम के साथ साथ कोरोना की लड़ाई में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए हर रोज इस सेंटर में पहुंचती हैं, और वो भी दो टाइम। आईआईटी बॉम्बे और आदिवासी विभाग ने इस सेंटर को शुरू किया है। तभी सभी काम करके यहां आती हूं। पीपी किट एक दिन में चार पीस बनाती है। हाँ, शाम को भी आते हैं दो घंटे, सुबह आती हूँ। और एक पीपी किट बनाने का कितना पैसा मिलता है आपको? 75 रुपए। मदद के साथ साथ इस काम से इन महिलाओं का घर भी चलता है। हर पीपीई किट बनाने के इन्हें 75 रुपए मिलते हैं। दिन भर में एक महिला अपना घर का काम संभाल के कम से 5 किट तो आराम से बनाती है। और हमें ऐसा अभी हमारा एक सोच है कि एक महिला कम से कम 12 किट बनाना चाहिए, तो कम से कम उसको 10-12 हजार रुपए आराम से मिल जाएगा। खड़खड़ गांव की 220 आदिवासी महिलाएं पीपीई किट बनाने के काम में लगी हैं। कुछ महिलाएं मास्क भी बनाती हैं। पीपीई किट और मास्क तैयार होने के बाद आईआईटी बॉम्बे भेजे जाते हैं, और वहां से ये सामान डॉक्टरों के पास पहुंचता है। ग्रामीण इलाके में रहने वाली आदिवासी महिलाएं हैं, जिनके घर में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और लॉकडाउन के चलते कई मार इन पर पड़ी हुई है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई अभियान बेहद ही सराहनीय है, और साथ में जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स के लिए इस तरीके के पीपीई किट बनाकर उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद ही सराहनीय कदम है।